YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे सही तरीका क्या होता है डिस्क्रिप्शन लिखने का अगर आपको अपनी वीडियो पे चाहिए बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए तो पे सबसे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि का जो है, अगर आप सही तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखते हो सही तरीके से ट्रेक लगाते हो उसमें बहुत सारी चीजें करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी जो वीडियो होगी वो रैंक कर जाएगी आपकी वीडियो पे अच्छा व्यूज आएगा एंड जो तरीका मैं यूज करता हूँ डिस्क्रिप्शन लिखने का टैग लगाने का उसमें बहुत सारी चीजें करने का वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ एंड सही

अब यहां पर मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना क्योंकि यहां पर आप ऊपर अपने टाइटल दोगे तो इससे आपका जो टाइटल होगा वो भी रैंक करेगा और डिस्क्रिप्शन और टाइटल आपका मैच हो जाएगा और यूट्यूब को लगेगा मेटा डाटा जो पॉलिसी होती है वो आपका यहां पर सही तरीके से वर्क करेगा यूट्यूब को लगेगा कि हाँ इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन सारी चीजें सेम है इस वीडियो को रैंक कराना चाहिए तो आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले पार्ट में आपको टाइटल जरूर एड करना है अब इसके बाद जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें यहां पर कुछ

दस जो कीवर्ड होते हैं यहां पर आप ऐड करोगे यहां पर जस्ट आपके टाइटल के यहां पर जो भी आपने टाइटल दिया इसके नीचे ठीक है ताकि आपके वीडियो यहां पर इन कीवर्ड वर्ड की मदद से रैंक करे अब यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हो मैं अलग तरीके से करता हूं और यहां पर यूट्यूब का अलग दो तरीके से बहुत सारी तरीके से काम करता है आपके यूट्यूब चैनल पर अलग काम करेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर अलग काम करेगा तो मैं आपको सब बता रहा हूँ ठीक है यहां पर आपको क्या करना एक की दे दिया इसी तरीके से आपको जो भी आपका की मिल रहा है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर करना है जैसे यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ एक कीवर्ड और उठा लेता हूँ इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं ठीक है यहां पर इसी तरीके से आपको एक कीवर्ड और उठाना है यहां पर आप सर्च करते रहोगे अपने टॉपिक को आपको अलग अलग तरीके से सर्च करना है एंड इसके बाद आपको जो भी यहां पर कीवर्ड मिल रहा है उसको आपको कॉपी करना है कॉपी करने के बाद यहां पर आपको पेस्ट कर देना है ठीक है आपने यहां पर पेस्ट कर दिया पांच कीवर्ड आप हिंदी के लगा सकते हो पांच कीवर्ड आप इंग्लिश का लगा सकते हो लेकिन हिंदी में लिखना नहीं है टाइप इंग्लिश में ही करना है एंड इसके बाद आप अपने यहाँ पर जो भी आपका वीडियो का टॉपिक है उसको आप यहाँ पर इंग्लिश में सर्च करोगे जैसे मैं लिख लेता हूँ हाउ टू मेक थम्डल ठीक है इतना मैं करूंगा तो

करते बहुत माइनर सी गलती है लेकिन लोगों के समझ में नहीं आती है जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं सबसे पहले हैशटैग लगाना है आपको अपने चैनल का जो भी आपके चैनल का नाम है हैशटैग लगा के आपको लिखना है सचिन मौर्य ठीक है मेरे चैनल का नाम है सचिन मौर्य तो मैंने यहां पर सचिन मौर्य लिख दिया ठीक है ये मैंने सचिन मौर्य लिख दिया अब इसके बाद देखो जैसे आप यहां पर हैशटैग टच करोगे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्पेस हो जाता है आपके हैशटैग में यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पेस हो जाता है इस स्पेस को हमें कट करना है बना ये हैशटैग डेड हो जाएगा ये काम नहीं करेगा तो यहां पर हम इसको कट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे ठीक है आपको हर एक स्टेप में ऐसे ही करना है अब आपने यहाँ पर हैशटैग लगा दिया आपके का अब यहां पर आपको फिर से हैशटैग लगाना है अब यहां पर जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक है जो भी मेन टॉपिक है वो लिखना है जैसे मेरी वीडियो का टॉपिक है थंबनेल तो यहां पर मैं लिखूंगा थंबनेल ठीक है यहां पर मैं थंबनेल लिखूंगा थंबनेल लिखने के बाद यहां पर आप देखोगे ऑटोमेटिक यहां पर कीवर्ड आ जाते हैं तो इसको मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर फिर से ये स्पेस हो जाता है फिर से मैं कट करूंगा फिर से मैं एंटर कर दूंगा ठीक है फिर से यहाँ पर आपको टाइप करना है फिर से आपको यहाँ पर तमनल लिखना है ठीक है थमनल लिखोगे जितने भी आपको यहाँ पर की वर्ड मिल रहे हैं चाहे थमनल मिल गया इस पर आपको क्लिक करना है फिर से आपको कट करना है फिर से आपको एंटर करना है अब यहां पर आपको यूट्यूब लिखना है यहाँ पर आपको यूट्यूब लिखना है क्योंकि हम यूट्यूब वीडियो के लिए बना रहे हैं ना तो यूट्यूब हम लिखेंगे सिंपल हम यहाँ पर यूट्यूब कर देंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे आपको अपने टॉपिक को बार बार सर्च करना है यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको हैश दे दिए जाएंगे वो आप लगा सकते हो तो यहाँ पर मैं वीडियो कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं ये वीडियो आ गया यहाँ पर मैं वीडियो टाइप कर देता हूँ वीडियो आ गया इसको क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी स्पेस हो वो स्पेस ना हो उसको आपको कट कर देना है इतना कर देना है यहाँ पर आप दस बारह या दस या पांच हैश लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इतना काम आपका यहाँ पर जो हो गया जो मैंने आपको बताया है, वो आपको करना है यहाँ पर इतना ही करना है अब इसके बाद आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट अपने तरफ से दे सकते हो अपने हिसाब से दे सकते हो क्योंकि सोशल मीडिया हर किसी का अलग अलग होता है तो जैसे मैं दे रहा हूँ सोशल मीडिया वैसे आप दे सकते हो मैं आपको यहाँ पर देख के दिखा देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट कॉपी कर लिया यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं यहां पर आप देखोगे ऊपर वाले पार्ट में मैंने सबसे पहले टाइटल दिया है एंड है, एक अच्छी लिखी है सोशल मीडिया का अकाउंट फेसबुक का कुछ भी आपको देना है वो सारा आप इसी पार्ट में करोगे ठीक है एंड इसके बाद यहां पर आपको अपनी बिजनी जीमेल जरूर देनी है जो भी आपकी बिजनी जीमेल है उसको आपको ऐड करना है कोई भी आप जीमेल ऐड कर सकते हो जो आपके मोबाइल में हो जिससे आप यहाँ पर बिजनेस

यहां पर आप कॉपी कर लेना तो यहां पर कॉपी कर ले मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पर ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है यहाँ पर ऊपर का टाइटल कॉपी नहीं करना सिर्फ कीवर्ड आपने जो लगाए वो कॉपी कर लेना है अब इन कीवर्ड को आप ऊपर वाले पार्ट में भी लगा सकते हो या आप नीचे वाले पार्ट में लगा सकते हो जैसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगाए हैं तो यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ यहाँ पर आप इसको इतना ही रहने देना एंड यहाँ पर आप नीचे जाना और नीचे वाले पार्ट में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना ठीक है तो या तो आप यहाँ पर नीचे लगा सकते हो थोड़ा सा स्पेस दे देना ठीक है